उत्तर प्रदेश की सरकार नदियों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर गंभीर नजर आ रही है। अब प्रदेश की नदियों के आसपास अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद अब मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे का अतिक्रमण हटाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम विभाग, राजस्व और सिंचाई और बाढ़ खंड की संयुक्त टीम के द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने का काम किया जाएगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नदी के उस स्थान पर अनाउंसमेंट भी कराई जा रही है जहां पर नदी की जमीन को कब्जा किया गया है। ऐसे स्थान पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम जाकर अनाउंसमेंट कर रही है और लोगों से आग्रह कर रही है कि या तो स्वयं ही इस जगह को खाली कर दे वरना बुलडोजर के द्वारा अतिक्रमण को हटाया जाएगा। संरक्षण एवं नदियों के स्थिति को बचाए रखने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नदियों के बहाव क्षेत्र में विद्यमान अतिक्रमणों को चिन्हित कर इन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुरादाबाद से होकर गुजरने वाली रामगंगा एवं गागर नदियों के बहाव क्षेत्र पर खाली अस्थायी अतिक्रमण को अभियान चलाकर अभियान मुक्त किया जाएगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर मौजूद रहे उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा बताया गया कि संयुक्त रूप से टीम काम कर रही है। हम सर्वे कर रहे हैं। डीएम मुरादाबाद के मार्गदर्शन में जल्द ही रामगंगा नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वहां जाकर के जो नदी की बेसिन का क्षेत्र है उस बेसिन के क्षेत्र को चिन्हांकित किया जाए और उसका चिन्हांकन होने के बाद राजस्व पुलिस का जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम वहाँ इकट्ठे जाकर के सिंचाई विभाग के उस अवैध निर्माण को दृष्टिकोण से हटाया जाए। इस प्रकार से लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम के द्वारा इस तरह की जो है नदी के इस प्रकार से यहाँ पर भी एक संयुक्त टीम उसका कल हम लोगों ने एक विश्लेषण भी किया था तो कुल मिलाकर के जो है एक किलोमीटर के आसपास का एरिया है जिसमें नदी के किनारे किनारे कई जगहों पर जो कंस्ट्रक्शन हो रखा था वो सर्वे से दस्तक में कराया जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है यदि उनके पास कोई पेपर इत्यादि तो उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ अगर जो है वो हमारे मास्टर प्लान में अगर वो नदी का संजोन है या तो जी में तो वहाँ पर निर्मल कर नदी से चल लिए जाएंगे। जो सरकारी जमीन है उसकी अपनी अलग प्रक्रिया है तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभी